धामनोद आदर्श ग्राम बिखरौन में महारुद्र ग्रुप द्वारा आयोजित दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में सभी टीमों का मुकाबला कश्मकश रहा। फाइनल मुकाबला इंदौर वर्सेस जबलपुर के बीच बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि 3 बजे संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम पुरस्कार ₹31,000 लक्की वंडर्स इंदौर, दूसरा पुरस्कार ₹21,000 जबलपुर को गया, जबकि तीसरा पुरस्कार ₹11,000 भोपाल, चतुर्थ पुरस्कार विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर को दिया गया। वहीं यह मैच देर रात तक ठंड भरे मौसम में भी चलता रहा, जिसे देखने के लिए जनता का उत्साह अंतिम दौर तक चरम पर था एवं ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क भोजन व रुकने की व्यवस्था की गई थी। दर्शकों ने आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि वास्तव में भारतवर्ष का सबसे पुराना खेल कबड्डी का है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हेमू पाटीदार। अच्छा, ये जो कबड्डी प्रतियोगिता कितने वर्षों से हो रही है और कौन करवा रहा है ये कबड्डी प्रतियोगिता? महारुद्र ग्रुप जो लगातार 30 वर्षों से करवा रहे हैं, और इस कबड्डी प्रतियोगिता में समस्त ग्रामवासी और नगर धामनोद के अनेक समाजसेवी लोग और अनेक लोगों का सहयोग रहता है, और कबड्डी प्रतियोगिता जिसमें आसपास के लगभग 20 गांव के लोग खेल प्रेमी जो जुड़े होते हैं, और खेल प्रेमी 20 गांव के खेल प्रेमी यहां पे आनंद लेते हैं खेल का। और मैं इस सभी ग्रामवासी और नगर धामनोद का, ग्रामवासियों का और खेल प्रेमियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आयोजन में हमारा सहयोग किया, और हम आगे भी इस आयोजन को बढ़ाएंगे। कितनी टीमें खेलने आती है? लगभग इसमें 40 टीम आसपास आती है। कहाँ कहाँ से आती है? ये जबलपुर, भोपाल, आसपास के धार, बदनावर, खरगोन। और आज कितनी टीमों का मैच हुआ है यहाँ पर? ये लगभग सेमीफाइनल राउंड में चल रहे हैं, लगभग करीब 1 बजे के आसपास फाइनल होने का है, 1 बजे के आसपास, 1-1.5 बजे फाइनल होगा। ठीक, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।